ओम श्री साई राम। सो लेट्स कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज 2.2 होल नंबर्स चैप्टर में से। तो हमने 2.2 के कल तीन क्वेश्चन कर लिए थे, उनमें था फर्स्ट टू क्वेश्चन थे हमारे रीअरेंजमेंट की, कि आपने कैसे अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनको रीअरेंज करना है, कि कैसे उनके एंड में जीरोज आए तो वो हम इजीली उनको मल्टीप्लाई और ऐड कर सके या फिर सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन जो रह गए थे तो आपने बहुत अच्छे करे हैं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़। बेटा ये वही प्रॉपर्टीज़ आ रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने जो चार प्रॉपर्टीज़ कर ली है उनमें से खास करके वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये बार बार आएगी आपको। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम अपने क्वेश्चन को ईजी कर सके। देखो करने को तो हम सीधा भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके प्रॉपर्टी के थ्रू करेंगे। ठीक है, इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये देखो जैसे ये ए हो गया ना, इसको हम कर लेंगे बी प्लस सी। देखो इसी फॉर्म में है ये क्वेश्चन, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस अब ए इंटू सी, वही वाली प्रॉपर्टी ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखो बेटा इसको हम करेंगे 738 इंटू 100 प्लस 3, ईजी होगा ना ये वाला सेम। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ पहले फिर इसी नंबर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि देखो बेटे जब मैंने आपको पहले भी बताया, अगर जीरोज वाला हमारा हो ना कहीं मल्टीप्लीकेशन, तो क्वेश्चन हमारा बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, अब देखो कितना ईजी हो गया ना क्वेश्चन। अब आगे आप कर सकते हो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, क्या पीछे जीरोस प्लस करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उनको फिर ऐड कर देंगे। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन है हमारे इसमें, प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़। डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं करना आपने, डीपी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर ही करना है। देखो जहाँ मैंने स्टेटमेंट लिख रखी है, ये वाला भी सेम क्वेश्चन यही है, आपने इसको भी यही प्रॉपर्टी लगानी है। इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, आगे अगेन वही, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का साइन, फिर टू के साथ। ओके, 854 इंटू 100 प्लस 854 इंटू 2, जो भी आएगा उसको आप यहाँ लिखोगे फिर ऐड करोगे। ओके, और मैम को सेंड करोगे। ठीक है, अब ये देखो सी में भी सेम ऐसे ही है, 258 इंटू, तो ये क्या होगा, इंटू लिखो जा फिर, ब्रैकेट कर देते हैं इसका, 1000 क्या होगा, 1000 प्लस 8। अब इसको भी आप 258 इंटू 1000 प्लस 258 इंटू 8, अब इसको भी सॉल्व करने के बाद आप मुझे सेंड करोगे कि इसका क्या आंसर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे प्लस का साइन, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड करोगे और मैम को सेंड करोगे। ओके क्लियर। सो इसमें देखो बेटा जी, लास्ट क्वेश्चन 4 का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखो अगर मैं इसको 160 प्लस 8 या फिर 100 प्लस 68 करूँगी तो थोड़ा टफ लगेगा, तो हम इसको कर लेंगे, इसको हम फैक्टर्स में दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 1000 प्लस 5, तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप करोगे। ओके, इसको मल्टीप्लाई करके जहाँ लिखोगे दोनों को ऐड करके मैं आपको आंसर बताऊँगी। ठीक है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आई हैव ऑलरेडी रिटन द स्टेटमेंट, अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे, द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। इफ द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज रुपीज 44 पर लीटर, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल। तो बेटा देखो जी, वर्ड्स हम प्रॉब्लम है आपकी, वर्ड्स की प्रॉब्लम है, तो आपने क्या करना है, इसको सिंपल सिंपल देखो, बोला ना हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल, ये सिंपली एडिशन का क्वेश्चन है। देखो टैक्सी ड्राइवर ने पहले, अगर हम बात करें उसने जो मंडे को, हम इसको ऐसे करेंगे, पहले मंडे और नेक्स्ट डे कौन सा होता है, ट्यूसडे है ना, मंडे और नेक्स्ट डे दोनों को ऐड करेंगे पहले, टोटल उसने कितना लीटर पेट्रोल लिया है ना, पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे हाउ लीटर, हाउ मच लीटर, दैट इज 40 लीटर। ठीक है, पेट्रोल फिल्ड ऑन ट्यूजडे कह दो या फिर नेक्स्ट डे, हाउ मच, नेक्स्ट डे ही फिल्ड विद 50 लीटर,
ओके। देन टोटल पेट्रोल ही फिल्ड, जहाँ पे दोनों को अगर हम कहें तो कितना होगा टोटल पेट्रोल, 40 + 50, हाउ मच दैट इज 90 लीटर बस। और हमें बोला है कि 1 लीटर पेट्रोल कितने का है, कॉस्ट ऑफ गिवन है ना हमें जी, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल कितनी है, कितनी गिवन है, देखो इधर 44 है ना, ₹44। तो बस हमें पता लग गया इतना लीटर हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। तो हमें क्या चाहिए अभी, देन कॉस्ट ऑफ, अगर 1 लीटर की इतनी है तो टोटल कितना हुआ था, कॉस्ट ऑफ टोटल 90 लीटर पेट्रोल की कितनी होगी, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे है ना। सॉरी ये थी 90, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है। अब देखो जीरो का जीरो लगा देंगे, 9 4 = 36, 9 4 = 36 = 39, दिस इज कॉस्ट, ये आपका आंसर आ गया, इतने रुपए का 90 लीटर पेट्रोल आएगा। ओके दिस इज योर आंसर ठीक है बेटा। तो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना वो भी सेम ऐसा ही है, उसमें एक वेंडर है, मैं आपको बता देती हूँ, आपने वो क्वेश्चन अपने आप करना है, 6 और 7 आपने मुझे करके सेंड करना है, आप ध्यान से सुनो। उसमें एक वेंडर है जो जैसे मिल्क मैन होता है, वो ना सप्लाई कर रहा है 32 लीटर वो मिल्क तो दे रहा है मॉर्निंग में, और 68 लीटर वो किसी होटल में दे रहा है इवनिंग में। बताओ अगर उसकी जो कॉस्ट है वो 15 रुपये पर लीटर है, तो बताओ उसने एक दिन में कितना, हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे, उसको एक दिन का कितना मीन मिलेगा, कितने पैसे कमाएगा, कितने अर्न करेगा। तो देखो बेटा पहले हमने टोटल निकालना है, आपको मैं क्वेश्चन नंबर 6 का भी हल्का सा बता देती हूँ, उसमें आपने क्या करना है, जो मिल्क की सप्लाई है इन मॉर्निंग कितनी हो रही है, 32 लीटर्स ठीक है, देन जो मिल्क की सप्लाई हो रही है इन इवनिंग वो कितनी हो रही है, कितनी हो रही है वो, मैंने बोला अभी 68 लीटर, ये आपका क्वेश्चन अपनी बुक में आपको सेंड करूँगी, उसमें आप देख लेना। देन टोटल मिल्क सप्लाई कितनी हो रही है, टोटल सप्लाई ऑफ मिल्क दोनों को क्या करेंगे, अब ऐड कर देंगे 32 + 68, दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा, 100 लीटर। देखो ये तो कितना इजी हो गया, अब 100 लीटर टोटल हो गया, अगर हमें अभी हमें कॉस्ट भी दे रखी है, पर लीटर कितने का है, कॉस्ट ऑफ वन लीटर मिल्क वो हमें गिवन है ₹15, 15 रुपये दे रखी है, तो हमने कितना टोटल कितना हुआ हमारा, 100 लीटर हुआ ना, देन कॉस्ट ऑफ 100 लीटर ऑफ मिल्क कितना हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, सो इजी क्वेश्चन। तो कितने रुपए हुए, दिस इज रुपीज़, कितने रुपए हुए, 1500 रुपये, 1500 ना, 1500। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, और बेटा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका है मैच करने वाला, ध्यान से आपने, मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूँगी फिर भी मैं आपको बता देती हूँ उसमें क्या है, उसमें ना 3 प्रॉपर्टीज दे रखी होंगी, इधर 1 part, 2 part and 3 part, इधर आपकी जो प्रॉपर्टीज़ के नेम है जैसे कम्यूटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, वो ध्यान से आपने करके उनको मैच करना है। ये वाला नंबर आपने इधर जो होंगे ना ए बी सी, इनके सामने लिख कर, सपोज फर्स्ट का आपका अगर सी है तो आप यहाँ पे मान लो इसके सामने अगर आपका, हाँ इसके सामने अगर आपकी सी प्रॉपर्टी आ रही है तो आप यहाँ पे लिखोगे इसके सामने, ठीक है, आंसर में लिखोगे 1 के सामने आप सी, ठीक है, मैच ऐसे नहीं करना है, तो आपने उसके सामने उसका ये वाले ए बी सी पार्ट ध्यान से पढ़ के मुझे सेंड करनी है, ठीक है बेटा। तो अभी आपकी ये 2.2 फिनिश हो जाएगी, आपने अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में मुझे सेंड करना है और अच्छे से क्वेश्चन करने हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है बेटे जी। सो साई राम, स्टे होम स्टे सेफ, ओके साई राम।